जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आशुतोष। दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसी जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी की 5,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 वैकेंसी में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या ट्रिपल सी इस बार अनिवार्य हो सकती है और आपकी उम्र कितनी हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उम्र कितनी हो सकती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, किस बेस पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। साथ में जो है ये 5,000 वैकेंसी है कब से स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका फिजिकल कैसे आप कर सकते हैं, इसका फिजिकल में क्या क्या पूछता है और क्या ये यूपी पुलिस से इसका फिजिकल कम होता है, सारी जानकारी हम एक एक करके देखते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे अब से स्टार्ट करनी, क्योंकि 5,000 की दोस्तों वैकेंसी अच्छी खासी मानी जाती है। ठीक है, और इस बार क्या ईडब्ल्यूएस को लिया जाएगा, सारी जानकारी एक एक करके हम देखते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, काफ़ी वायरल भी हुआ है, तो ये न्यूज़पेपर में वास्तव में सही चीज़ है। और जो 5,000 की वैकेंसी है वो 5,000 की आपकी आने वाली है वैकेंसी, और इसमें सारा कुछ डिटेल दे रखा हुआ है कि आपका कैसे चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद कभी भी इसकी वैकेंसी को घोषित की जा सकती है। तो अब चुनाव के बाद इसकी वैकेंसी की दोस्तों जो घोषित की जा रही है तो वो कब से आपकी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वैकेंसी स्टार्ट कब से हो सकती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इसकी जो वैकेंसियां हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, सारी एक एक चीज़ करके हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यूपी पुलिस की एज आयु सीमा क्या होती है। तो दोस्तों जनरल जो होता है, नॉर्मल जनरल की जो उम्र होती है मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं या 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। दूसरी बात यह है कि 28 साल तक मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग को मैंने देखा है कि अलग अलग लोग 27 साल बोल रहे हैं, लेकिन आप ऑफिशियली जाके पुराना नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसका 28 साल है। अब दूसरा चीज़ ये है कि अब आपका ओबीसी की कितनी उम्र हो सकती है, तो ओबीसी की जो आपकी उम्र हो सकती है वो 21 से लेकर 31 साल तक है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है एससी और एसटी की उम्र क्या हो सकती है, तो 21 से लेकर दोस्तों 33 साल तक आपकी उम्र हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है क्या ईडब्ल्यूएस वालों को उम्र में कोई बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों का जो है उम्र में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेनिफिट किस में मिलेगा, सीटों में मिलेगा। उन लोग के लिए 10% सीट रिजर्व है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, कहाँ से, जनरल वालों से हैं। ठीक है, जो जनरल से हैं उनके लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस बार सरकार ने ईडब्ल्यूएस लॉन्च किया है, मतलब लागू किया था, तो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उनको सिर्फ सीटें दी जाएंगी, उम्र में कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी थी आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसकी योग्यता क्या है। तो दोस्तों इसकी योग्यता जो है 12वीं बेस पे नहीं होता, ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो क्या क्या आप कर सकते, आपने बीटेक कर रखा हो, ठीक है, बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, आर्ट कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, ठीक है, जितने भी हैं कॉमर्स कर रखा हो, ठीक है, कॉमर्स कर रखा हो, आर्ट कर रखा हो, एग्रीकल्चर कर रखा हो, जितने भी आपके ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन होता है 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो सभी लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी की रिटर्न टेस्ट कैसे होगा, रिटर्न टेस्ट इसका कैसे होगा, मैं एक एक करके बताऊंगा, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, रिटर्न टेस्ट में भी पैटर्न क्या होगा। पैटर्न बिल्कुल अलग है दोस्तों, और एग्जामों से इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिजिकल के लिए कैसे आपको लिया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको दोस्तों देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं जानकारी दूंगा 100% सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई गलती ना हो। तो अब हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका रिटर्न टेस्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका रिटर्न टेस्ट जो होता है वो मैं आपको बता दूं, इसका दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट है वो अलग अलग कंडीशन पे है। ठीक है, 40 पे भी हो सकता है दोस्तों, अब क्या है 50 पे भी हो सकता है,
मतलब 50-50 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। अब पैटर्न क्या है, अब जब फॉर्म आएगा तब पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 40 होगा या 50 होगा, दो में से एक चीज़ होगा। अब दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको क्या है, इसमें 50% पास करना है, मतलब मैथ में भी 50% लाना है, ठीक है। सेक्शन वाइज लाना है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। मैथ में 50% लाना है, अगर 40 का होगा तो 20 होगा, 50 होगा तो 25 होगा। अब वो डेट जब आएगा तब हम देखेंगे कि फॉर्म में एक्चुअली उसका पैटर्न क्या है, क्या पता कुछ पैटर्न आपका चेंज हो जाए इसमें भी, ठीक है। इस बात को तो पर रहेगा 99% यही रहेगा, ठीक है। 95%, 5% इधर उधर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर साल क्या है, पिछली हर साल कोई ना कोई पैटर्न चेंज होता है हर हर बार, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है हिंदी है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर में थोड़ा हेर फेर हो सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि 40 का होता है तो आपको 20 नंबर मैथ में लाना होगा, 20 नंबर रीजनिंग में लाना होगा, 20 नंबर जीके में लाना होगा, 20 नंबर हिंदी में लाना होगा। और अगर आप अगर 50 का आता है दोस्तों, 50 का आता है चारों, तो आपको आपको सभी में 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर दोस्तों, ये क्राइटेरिया है पिछली बार का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ बता रहा हूँ कि पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, अभी तक दोस्तों ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ चांसेस है 5% शायद चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है तो यही 100% रहेगा, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा वो 100% न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं 95% बोल रहा हूँ कि पैटर्न यही रहेगा, 40-50 में हो सकता है, लेकिन पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है, क्या पता इस बार कट ऑफ ना करे, क्योंकि पिछली बार ऐसा कर दिया था उन्होंने, लास्ट टाइम में उन्होंने ऐसा कर दिया था, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अब आपके लिए ज़रूरी बात इसमें क्या है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि आपको दूसरी बात यह है कि क्या ट्रिपल सी लगेगा, क्या ट्रिपल सी लगेगा। आप सोचते हैं कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएसएससी की जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ट्रिपल सी लगेगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, दरोगा में कोई अभी ऐसा प्रावधान नहीं आया है कि ट्रिपल सी लगेगा। लेकिन अगर उनको ट्रिपल सी आगे भविष्य में लगाना होगा तो मेरे हिसाब से वैकेंसी के कम से कम वो लोग 6 महीना या 7 महीना आपको पहले बोल देंगे, अगर ऐसा करना होता, पर ऐसा तो है नहीं, अब तो वैकेंसी आपकी आने वाली है तो ऐसा तो वो करेगा नहीं। लेकिन दोस्तों भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो ट्रिपल सी इसको अनिवार्य कर दे, क्योंकि यूपी के सारे एग्जाम में ट्रिपल सी कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसकी आप टेंशन छोड़ दें, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी आने वाली है। ट्रिपल सी कम से कम 1 से 2 से 3 महीना लग जाते हैं एग्जाम निकालते निकालते, तैयारी करते करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में आप नहीं रहे, ट्रिपल सी की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है दोस्तों, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ जीके और करंट अफेयर, ठीक है, और रीजनिंग और मैथ दोस्तों, इसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ, शायद मेरी कल या परसों से तैयारी स्टार्ट हो जाए। तो अगर मैं रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सिलेबस मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम है, सारा सिलेबस सेम है, सिर्फ यूपी की जीके एक्स्ट्रा है इसमें। यूपी देखिए, इसमें सिलेबस एक्स्ट्रा क्या है, यूपी जीके एक्स्ट्रा है, ठीक है, और हिंदी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ग्रेजुएशन किए होते हैं, जो बीटेक करे होते हैं दोस्तों, हिंदी की भी मैं क्लास लगाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा वैकेंसी आते ही। अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, लेकिन वैकेंसी आते ही आपकी हिंदी क्लास लगने लगेगी, और यूपी जीके का अलग मैं क्लास लूँगा, ठीक है, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से, यूपी से, यूपी से जीके तो बहुत बड़ा होता है, आप आईएएस का, आप यूपी पीसीएस का सिलेबस देख ले, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यूपी दरोगा में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक से आते हैं वो फिक्स है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आपकी दोस्तों तैयारी करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, कोई डाउट है मेरे को कमेंट पर ज़रूर करें, जो जो मेरे से क्राइटेरिया हुआ है वो मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। कुछ भी पैटर्न हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जो पैटर्न बोला है उसी को फॉलो करेंगे आप, लगभग वही रहेगा, लेकिन आपका पैटर्न दोस्तों बदल सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो भी मेरी को जानकारी देने की ज़रूरी थी दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन यूपी पुलिस से रिलेटेड, यूपीएसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली सभी तैयारी लगभग सारे फॉर्म लोग फिल्ड करते हैं, तैयारी भी लगभग करते हैं, तो सारी चीज़ों की मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूं, प्लस मैं रेलवे की भी तैयारी कर रहा हूं। और दोस्तों आपको मैं फ्री में,
फ्री में यूपी की बुक्स हैं, हिंदी में हिंदी बुक यूपी जीके की फ्री में मैं पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल है जो मैं अब नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया करूँगा, ठीक है। या तो मैं अभी एक टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस कमेंट में, ठीक है, कमेंट में। तो आप क्या है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ दोस्तों मेरा लगभग 60,000 से लोग, 60,000 से लोग वहाँ बेनिफिट ले रहा है फ्री पीडीएफ्स का, इम्पोर्टेंट नोट्स का, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम जानते होंगे वहाँ पैसा कुछ नहीं लगता, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक डिसलाइक मैटर नहीं करता, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।